विश्व के प्रथम आयुर्वेदिक वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव भारद्वाज जी ने अब तक पैरालिसिस के कई मरीजों को विशेष रिसर्च से तैयार की गई दवाओं के द्वारा ठीक करने में सफलता पाई। आइए आपको सुनाते हैं इन मरीजों के विचार। नाम प्रदीप सिंह तोमर। प्रदीप जी कहाँ से हैं? टीकमगढ़। अच्छा, टीम मध्य प्रदेश से। यस। तो अभी क्या दिक्कत थी आपके फादर साहब को? मेरे पिताजी को ब्रेन ट्यूमर था सर, सिर में। ब्रेन ट्यूमर था? ठीक है, तो ब्रेन ट्यूमर का क्या इलाज कराया आपने? ग्वालियर में ऑपरेशन कराया, पहली बार ऑपरेशन कराया तो दिक्कत भाई, कम से कम सात से आठ दिन होश ही में नहीं आए। फिर डॉक्टर ने दोबारा ऑपरेशन किया, फिर तीन चार दिन में होश में आए वो। फिर इसके बाद डॉक्टर बोला सिर में जो पक गए टाँके मतलब बढ़ गया अंदर ट्यूमर आपका। फिर डॉक्टर बोले कि तीसरी बार ऑपरेशन और होगा, तो फिर मैंने ऑपरेशन ना कराने का निर्णय लिया। अच्छा। और फिर मैंने टीवी पे जब आपका देखा प्रोग्राम, हाँ, तो मैं सीधा दिल्ली चला आया। तो अभी आपके फादर साहब की जो तबीयत है, अभी कैसी तबीयत है? अभी आपने उनका रिपोर्ट वगैरह कराई है? हाँ जी सर। तो देखा, मैंने रिपोर्ट वगैरह कराई तो उसमें नेगेटिव आया। अच्छा। हाँ, तो अब वैसे सर में दर्द वगैरह कुछ कम है? टाँके पक गए उनके या अभी सूख गए पहले से? पहले से काफी अंतर है। एक महीने दवा खिलाते आयुर्वेदिक, जो आपके हॉस्पिटल की दवा थी उसको खिलाते, काफी अंतर आया। जख्म जो सर के थे, पहले मवाद इतनी आती थी कि अपने आप गिरती थी, अब मवाद एक दिन में थोड़ी सी आती, जरा सी। हाँ मैं समझ गया, मतलब पहले से 90-70-80% तो मान के चलो कम हो ही गया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी आपका कल हमने पेट से टीवी करा लिया, तो उसके अंदर वो आपका ब्रेन के अंदर अपटेक नहीं है, इसका मतलब वो तो नेगेटिव ब्रेन में आई गया है साइंटिफिकली भी। जी, जी। और बाकी फिजिकली भी आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं, जिसके अंदर पस वगैरह उनकी कम हो गई है पहले से। खाना वाना खा पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह की परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी। कुछ आप इंसिडेंट भी बता रहे थे, अभी हो भी गया कि आप ट्रेन में आ रहे थे तो कोई सर के ऊपर चोट झगड़े में लग गया क्या वो? हाँ, तो ट्रेन में आ रहा था झांसी से यहाँ टीकमगढ़ से, हाँ हाँ, दिल्ली के लिए, तो दो युवा थे तो आपस में वो लड़ने लगे, तो वो भी चोट पे लग गई। हाँ, मेरे पिताजी गेट के पास में सीट पे बैठे थे तो उन्हीं के सिर पे जाके गिरे हुए। अच्छा, उसके बाद भी वहाँ से कोई ब्लीडिंग वगैरह ऐसी नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी समय के लिए दर्द हुआ लगभग 2-3 घंटे, इसके बाद वो भी ठीक है। और अगले दिन उसके बाद हमने ये टेस्ट भी करा लिया, जिस टेस्ट के अंदर भी कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब है कि कैंसर से संबंधित, अंदर ब्रेन ट्यूमर से संबंधित कुछ भी दिक्कत नहीं है उनको।